नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंगमंच एंड सिनेमा टिप्स में। दोस्तों, मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर, एक नया जानकारी लेकर। कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया था कि मैं जो है अपना अगला वीडियो BNA के एडमिशन एग्ज़ाम पर बनाऊँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है BNA के एडमिशन एग्ज़ाम पर आधारित है। आपको जो भी जानकारी मिलेगी, सवाल जवाब मिलेगा, BNA के एडमिशन एग्ज़ाम पर आधारित रहेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरी जो प्रार्थना होती है आप लोगों से हर वीडियो में, कि मेरे चैनल को लाइक शेयर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और साथ में दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो जानकारी छूट जाती है, फिर पूरी बात समझ में नहीं आती, फिर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मैं जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखा कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। दोस्तों, BNA के एडमिशन एग्ज़ाम में ना ही आपका केमिस्ट्री से प्रश्न आता है, ना ही बायोस आता है। आपका जो भी प्रश्न आता है आपके कला फील्ड से ही आता है, और अधिक से अधिक हिंदी साहित्य से प्रश्न आता है। जैसे उदाहरण के लिए, भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उन्होंने कितने नाटक लिखे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, उन्होंने कितने उपन्यास लिखे। इस तरह के दोस्तों प्रश्न आते हैं और आपको आंसर लिखना होता है अपने कॉपी में। भारत में टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था, भारत में आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी, रंगमंच के कम से कम 5 नेशनल लेवल के डायरेक्टर के नाम बताइए। इस तरह के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको आंसर लिखना होता है अपने कॉपी में। और जो परीक्षा का समय होता है वो 2 घंटे का होता है, आपको 2 घंटे में सारे प्रश्न करने होते हैं और कॉपी जमा करना पड़ता है। इंटरव्यू में दोस्तों कम से कम 10 से 12 जज बैठे होते हैं और आपको उन जजों से सामना करना पड़ता है। वो क्वेश्चन करते हैं आपसे और आपको जवाब देना होता है। जैसे आपको सिंगिंग आती है, आप बोलते हो हाँ आती है, तो चलिए गाकर सुनाइए। आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, हाँ आता है, चलिए बजाकर दिखाइए। आपको डांस आता है, हाँ आता है, डांस करके दिखाइए। इस तरह के दोस्तों प्रश्न वो लोग करते हैं और आपको जवाब देना होता है, करके दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है। हमको जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, अगर हम लोग मेहनत करके अच्छे से तैयारी करें तो परीक्षा को फाइनल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।